कहाँ की प्लानिंग है अब? ऐसे क्यों बता रही यार, कोई एक्साइटमेंट ही कुछ नहीं। सात ताल जा रहे हैं, हम सात ताल वापस जाके सात तालों को देखेंगे। अगर आप नैनीताल जा रहे हो घूमने के लिए तो ये दो डेस्टिनेशन जरूर घूम के आना, एक भीमताल और दूसरा है हमारा सात ताल। अब आप ब्लॉग देखो, जो जो जगह है डेफिनेटली घूमने जाना। नैनीताल से ज़्यादा 20 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, आप स्कूटी रेंट पर लेकर के इजीली इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हमने आपको दिखाया फ्री में एक वाटरफॉल, ये देखो। तो अभी हम आ गए हैं भीमताल, नैनीताल के पास में ही ये लेक है। इस भीमताल का नाम कैसे भीमताल पड़ा और यहाँ पर एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है भीमेश्वर मंदिर, जो कि अभी हम आपको दिखाने जाएंगे। अभी आप हमारे सामने देखेंगे, ये है वो मंदिर, प्राचीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर भीमताल। अब इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर एक डैम भी बनाया गया, ये डैम अंग्रेजों का जब राज्य था तब उन्होंने अंग्रेजों ने बनवाया था इस डैम को। उस डैम के बाद आगे एक मंदिर का भी निर्माण किया गया, जिस मंदिर को देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। और ये एक्वेरियम की कहानी भी है, एक एक्वेरियम की कहानी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब पांडवों का वनवास हुआ था तो द्रौपदी को बहुत तेज प्यास लगी थी, तो यहाँ पर भीम ने गधे से प्रहार किया। गधे से प्रहार करने के बाद बेसिकली यहाँ पर जल की धारा उत्पन्न हुई, जल की धारा से द्रौपदी ने जल को ग्रहण किया। जिस लोटे में जल को ग्रहण किया था बेसिकली उन्होंने उस लोटे को यहीं पर फेंक दिया था, तो बाद में वो एक्वेरियम जो बन गया वो लोटा ही है जिस लोटे से द्रौपदी ने जल को ग्रहण किया था। तो अभी हम उस मंदिर को देखने जा रहे हैं जो कि भीमेश्वर मंदिर के नाम पर यहाँ बनाया गया है पास में ही, जहाँ पर हमारे भगवान शिव की भी पूजा होती है। और जब भीम ने पांडवों ने पूजा की थी तो बेसिकली यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग भी उत्पन्न हुई थी। ये जो भीम वगैरह आए थे ना पांडव, तब बना था ये, जब पांडवों ने अपना अस्त्र शस्त्र सब दान किए थे इधर। ओह अंदर ही तो रहेंगे जूते चप्पल। चलो भाई भीमेश्वर टेम्पल। बहुत साल पुराना पीपल का पेड़ है, सालों साल पुराना, मतलब कम से कम नहीं तो 300 200 300 साल तो आराम से पुराना है पेड़, 200-300 साल पुराना पीपल का पेड़ है। तो दैट्स हाउ ये हमने अपने भीमेश्वर टेम्पल के दर्शन करे। ये कहाँ की प्लानिंग है अब? ऐसे क्यों बता रही यार, कोई एक्साइटमेंट ही कुछ नहीं। सात ताल जा रहे हैं, हम सात ताल वापस जाके सात तालों को देखेंगे। तो अभी हम गए थे भीमताल, तो भीमताल देख करके आए, तो भीमताल में हमें कुछ ऐसा ज्यादा एक्साइटेड लगा नहीं। एक एक्वेरियम था वहाँ पे, जाने के लिए भी अनाप शनाप पैसे मांग रहे थे, वो वहाँ जा करके भी कैफे था और उसके अंदर कुछ मछलियाँ थी एक्वेरियम के अंदर, लेकिन वो भीमताल के बीचों बीच में था, तो हमने बाहर से ही देख लिया, लेकिन हमें ज़्यादा एक्साइटेड लगा नहीं कि हम अंदर जा करके उसको एक्सप्लोर करें। तो दैट्स व्हाई हम बाहर से देख करके लौट आए, तो हमने भीमताल एक्सप्लोर कर लिया, भीम टेम्पल एक्सप्लोर कर लिया, अब हम जा रहे हैं सात ताल की तरफ।
तो गाइस फाइनली सो मच मशक्कत के बाद हम आ गए अपने डेस्टिनेशन लोकेशन पे जिसका नाम है सत्ताल। ठीक है, तो हम पहले ताल की तरफ जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। हमें बताया गया यहाँ पे 7 ताल हैं, तभी तो हमें पहला ताल मिला है। और बाकी हम पूछेंगे क्या है सीन यहाँ का क्या नहीं। अरे दैया रे तो इस ताल का नाम 7 ताल क्यों है? तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, जब आप भवाली से और नैनीताल से 7 ताल की तरफ आओगे तभी आप ऊपर से अगर नजारे देखोगे तो आपको 3 ताल एक ही ताल में मिलेंगे, जिन 3 ताल के नाम है लक्ष्मण, राम एंड सीता। इन तीनों ताल को मिलाकर के एक ताल बनता है जिसका नाम है 7 ताल। और ये ताल जो बनाया गया था बेसिकली जब राम सीता लक्ष्मण को वनवास हुआ था, तो वनवास के टाइम पर उन्होंने एक वक्त बताया था यहाँ पर, उसी टाइम पर यहाँ पर इस ताल का निर्माण किया गया था। अरे मैं ये कह रहा हूँ ये 7 ताल का नाम यही है, और भी ताल नहीं है नकोचिया वाला। अरे इंसान को हर चीज की जरूरत है मालिक। है हमारे पास सब कुछ, आप लोग एंजॉय करो। Love in the air, love in the air, love in the air. भैया यहाँ पर हम सोच रहे थे 7 ताल होंगे, लेकिन ताल एक ही है, उसका नाम है 7 ताल। ठीक है, हाँ। तो भाई फाइनली हमने 7 ताल, भीमताल, नैनीताल तीनों ताल घूम लिए और मंदिर। तो दैट्स हाउ वी स्पेंड आज का दिन है। उधर करा दूं, 5:30 हो गए, हम सुबह 9:30 के निकले हुए थे घूमने के लिए, तब से घूमे ही जा रहे हैं। स्कूटी रौंदी धां धां, यहाँ बैठ जा।